गेहूं काटते समय थ्रेसर से युवक की हुई दर्दनाक मौत। इटावा जनपद के थाना इकदिल क्षेत्र के अंतर्गत कतगवान गांव में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब खेत में गेहूं काटने वाली थ्रेसर मशीन में युवक चला गया, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर क्षेत्र में दुखद घटना को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी गेहूं काटने वाली थ्रेसर से युवक को कड़ी मशक्कत के बाद टुकड़ों में बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दौलतपुर निवासी अरविंद मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। पास के ही गांव कतगवान में थ्रेसर से गेहूं काट रहा था, अचानक चलती हुई थ्रेसर मशीन में चला गया, जिससे मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। रे। क्या नाम है माता जी? राम कुमार। क्या घटना हो गई आपको? घटना का जी का था रही घटना। कौन था जो मशीन में चला? कौन था जो आप मशीन में चला गया है? लड़का लड़का सब तो छोटो है, चार नौ थे। तो क्या करता था वो? हम का हम आया नहीं, हम का आते ही हैं कि लगा तो कर दे तो अब हमें कहाँ पता है। या तो आप लोग जो बताएं जो जो लगाते। गांव का नाम? अच्छा जी, घटना हुई ये कौन थे आपके? छोटा भाई। अच्छा, तो कैसे घटना हुई, कोई जानकारी है? फोन किया मजदूर घर में आया थे से काट रहा था, जैसे बताया तो जैसे। अच्छा अच्छा, तो क्या कारण रहा होगा, क्या मतलब किस तरीके से? ट्राली फुल भरी हुई थी, ट्राली ना भरी होती तो कोई हादसा ना होता। ट्राली भरने की वजह से जब थ्रेसर से ऊंची भी हो गई इसलिए यह हादसा। ट्राली कहीं दूसरे खेत से भर के आई है तो उसी को गठा भरे रहे तो गठों पे ही जब डाली है तो गठों में सारे ही से उसमें ही सड़ उसी वजह से हादसा हुआ। तो गठा खाली ट्राली खाली होती तो हादसा नहीं होता। कितने बजे घटना है लगभग? डेढ़ बजे।